नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में पार्ट वन में ये जानकारी दी थी मेष लगन के बारे में, बताया था कि अगर सूर्य आपका फर्स्ट सिक्स हाउसेज में बैठा है तो आपको क्या रिजल्ट देगा, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम आपको सेवंथ हाउस से लेकर और ट्वेल्थ हाउस तक की जानकारी देंगे मेष लगन में सूर्य के ट्रांजिट के। देखो, ग्रह तो परिवर्तनशील हैं, ग्रहों का मूवमेंट हर समय चलता रहता है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और एक राशि में 30 डिग्री तक ये चलते हैं। हर ग्रह 30 डिग्री तक चलता है, उसके बाद परिवर्तन करके नेक्स्ट राशि में चला जाता है। और इस भचक्र की जो सबसे पहली राशि होती है वो मेष है, फिर सेकंड नंबर पर आती है वृष, फिर थर्ड नंबर पर आती है मिथुन, फिर फोर्थ, ऐसे अलग अलग भ्रमण चलता है। अभी जैसे सूर्य मिथुन राशि में चल रहे हैं फिलहाल, आज की अगर हम बात करें तो अभी मिथुन राशि में एक महीने रहेंगे, उसके बाद मिथुन से कर्क में चले जाएंगे, यानी कि परिवर्तन हो रहा है। तो यही परिवर्तन फिर कुंडलियों में होता है, जो कुंडली के 12 घर होते हैं ना, अलग अलग खाने दिखाई देते हैं आपको ऐसे ऐसे, ये 12 हाउस हैं और इन ये भाव स्थिर हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता, ये जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे। फर्स्ट हाउस अगर मान सम्मान का है, लगन का है तो है, सेकंड हाउस से आपको जीवन भर पैसा मिलेगा तो सेकंड से ही मिलेगा, थर्ड से नहीं मिल सकता। ऐसे ही थर्ड हाउस साहस पराक्रम का है तो वो रहेगा। फोर्थ हाउस सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन जमीन जायदाद राजनीति संतान ये आपके माँ का है तो है, ये नहीं बदल सकता। इसमें ग्रह आकर के बैठेगा या इस घर का जो स्वामी बनेगा वो अपना फल कैसा देगा डिपेंड उस बात पे करता है, और वही हमें आज आपसे डिस्कस करना है। आज की इस मेरी वीडियो से आपको ज्योतिष सीखने को मिलेगी, आपको ये सीखने को मिलेगा कि आखिर एस्ट्रोलॉजी वर्क कैसे करती है। राशिफल बताने वाले तो बहुत हैं, मैं आपको आज सिखा रहा हूं, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया और आज फिर बताऊंगा और डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो को आप पूरा सुने, हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें और लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुंचाएं ताकि और भी लोग इसको समझ सकें, ज्योतिष को एज ए विज्ञान समझ सकें। वेदों के 6 अंग हैं, उनमें एक ज्योतिष है, इसलिए कोई ये कहे कि मैं ज्योतिष को नहीं मानता तो ये कहना उचित नहीं रहेगा, यानी कि वो वेदों पे ही प्रश्न उठा रहा है, इसका मतलब वेदों को नहीं मानता, ये प्रॉपर साइंस है। आज मेरे पास दिल्ली की जिम्मेदारी है और मैं बम्बई में जा करके बैठ जाऊँ, तो मैं दिल्ली की जिम्मेदारी है, रिजल्ट तो मेरे को दिल्ली का देना ही पड़ेगा, चाहे मैं बॉम्बे बैठ गया, चाहे मैं बॉम्बे से शिफ्ट होकर बैंगलोर चला गया तो मेरे को बैंगलोर में भी जाकर रिजल्ट देना पड़ेगा, और दिल्ली वाला तो देना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरा बेस है, यहाँ का मेरे पास डिपार्टमेंट है और जहाँ बैठा हूँ वहाँ का तो दूंगा ही, पर मेन बेस का नहीं छोड़ सकता। तो ऐसे ही आज मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि सूर्य क्या हमारे साथ जीवन में करते हैं, फिर हम उस फल को डिस्कस करेंगे जो हमें आगे कंटिन्यू करना है मेष लगन में सूर्य का। सूर्य जो है ना दोस्तों, वो आत्मा है, सूर्य के इर्द गिर्द सत्ता घूमती है, सूर्य के पास नेतृत्व है, सूर्य उच्च अधिकारी वर्ग से ताल्लुकात रखता है, सूर्य आईएएस बनाता है, आईपीएस बनाता है, मिनिस्टर बनाता है, गवर्नर बनाता है, ये आपको महत्वाकांक्षी बनाता है, ये आपका आत्मबल बढ़ाता है, ये आपको तेज देता है, ये आपकी आयु को बढ़ाने का काम करता है, ये राजाओं की तरह आपका प्रभाव बढ़ाता है, ये आपको राजनीतिक प्रभुत्व देता है, ये मेडिसिन की लाइन से जोड़ता है, और इसके पास डिपार्टमेंट होता है सिंह राशि का, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी ग्रह हो जाते हैं सूर्यदेव। इसीलिए मेष लगन में सिंह राशि पड़ती है फिफ्थ हाउस में, पंचम भाव में, और वहां पर पंचम भाव के स्वामी होकर के सूर्यदेव अब गोचर करेंगे सेवंथ हाउस में। अब सेवंथ हाउस में इनका बैठना, सप्तम भाव पर इनका फल देना, इसका रिजल्ट थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। अब क्यों नहीं रहेगा? पंचम भाव क्या है? बुद्धि का, उन्नति का, संतान का,
अकस्मात धन लाभ का, प्रबंधन का, नीति का, शास्त्र कला का, विद्वानता का, मनोरंजन का, प्रेम संबंध का है। इस स्थान की जिम्मेदारी लेकर के सूर्य देव सेवंथ हाउस में बैठ गए, सप्तम भाव। किस में बैठे? तुला राशि में बैठे। तुला राशि किसकी है? शुक्र की है। और शुक्र के साथ सूर्य का क्या है? शत्रुता वाला व्यवहार। अब यहां पर मेष लग्न में पंचम के स्वामी सप्तम भाव में हो जाने के कारण अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, और उसके दो रीजन है। एक रीजन तो ये कि ये शत्रु के घर में बैठे हैं, और दूसरा रीजन ये कि ये तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। और नीच ग्रह कैसे अच्छा फल दे? नीच ग्रह की तो सोच में ही नीचता आ जाती है। ऐसी स्थिति में ये आपको काफी दिक्कत देगा, ऐसी स्थिति में ये आपके आजीविका के लिए बहुत आपसे कठिन परिश्रम कराएगा, आपका संतान के साथ नहीं चलने देगा अच्छे तरीके से व्यवहार, आपके दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब करेगा, आपको व्यवहार का कुशल जरूर बनाएगा, पर आप अगर साझेदार के साथ मिलकर काम करते हैं, आपका पार्टनरशिप में चल रहा है काम, तो वो डिस्टर्ब होगा, पार्टनर से आपको धोखा मिलेगा, आपको उच्च शिक्षा के अंदर विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, ऐसा योग बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पंचम भाव की जिम्मेदारी है, तो उसका तो रिजल्ट देना ही पड़ेगा ना, और जहां बैठे हैं वहां नीच हो गए, तो यानी कि एजुकेशन तो बाधित होगी, इसमें कोई दोराय नहीं है। पेट को भी खराब करेंगे, आंखों से संबंधित रोग भी दे सकते हैं, मान सम्मान को भी हानि पहुंचा सकते हैं, और साथ में स्त्री या पुरुष, यानी कि लड़की की कुंडली है तो पति, लड़के की कुंडली है तो पत्नी, इनके साथ जो पारिवारिक सुख होता है उसमें काफ़ी कष्ट परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। और शुभ ग्रहों से युक्त हुआ तो बेशक लाभ मिल सकता है, तो बेशक ये आपको सपोर्ट कर सकते हैं, अन्यथा तो ये आपको बर्बाद कर देंगे, अन्यथा तो ये आपको सुनीच सूर्य रिजल्ट नहीं देंगे। और सूर्य परम नीच होता है 10 डिग्री पर। हर ग्रह की एक पर्टिकुलर एक ऐसा अंश होता है, डिग्री होती है, जहां आकर के उसकी नीचता पूर्ण हो जाती है, कंप्लीट वाली पर आ जाता है। तो ऐसे ही जब सूर्य मेष ये जैसे ही सूर्य चलता है धीरे 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 आगे बढ़ता है, तो ये 10 डिग्री पर पहुंचता है तो ये परम नीच हो जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपका सूर्य मेष लगन का है, पंचम भाव का डिपार्टमेंट है, और जाकर के बैठ गया अष्टम भाव में, 8th हाउस, आयु का घर। अब आयु के घर में आपका बैठा है, आपको सोची हुई योजनाओं को सही रूप में अमल करने में बाधाएं आएंगी, आपको उच्च विद्या और धन प्राप्ति के जो साधन हैं उनको प्राप्त करने में दिक्कत आएंगी, आपको घरेलू कलह और कलेश आपके विशेष रूप से तनाव का कारण बनेंगे, आपका जो मन है वो काफ़ी अशांत रहेगा। संतान का स्वामी है, बुद्धि का स्वामी है, उन्नति का स्वामी है, इन चीज़ों को लेकर के अष्टम भाव में सूर्य आ गया, अब यहाँ आकर के चिंताएं देगा। और अगर पाप ग्रहों से शनि राहु जैसे ग्रहों से युक्त हुआ या दृष्टि में हुआ तो चोट दुर्घटना का भी योग बना देगा, गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण करने में दिक्कत देगा, चोट दुर्घटना गुप्त चिंताएं ये ज़्यादा सताने लग जाती हैं, ऐसा एक योग यहाँ पर ही बना देगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अष्टम भाव में चला गया, अब अष्टम भाव के अंदर वृश्चिक राशि रहेगी, और वृश्चिक राशि मंगल की ही है, गया तो मित्र की राशि में पर चला तो गलत जगह गया ना। अब ज्योतिष में छठा भाव, अष्टम भाव और बारहवें भाव तो अच्छा नहीं माना जाता, अब इस घर में बैठ करके ये परेशानी दे देता है, पीड़ा दे देता है, तकलीफ दे देता है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। मेरा विश्वास है अगर डिस्प्ले में कुंडली के माध्यम से आप समझते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको इस समझ में आएगा
कि आखिर एस्ट्रोलॉजी वर्क कैसे करती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यही मेष लगन है, पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, और यही सूर्य नाइन्थ हाउस में बैठ गया, और नाइन्थ हाउस जो होता है वो त्रिकोण का होता है, यानी कि नवम भाव, और डिपार्टमेंट है पंचम का, और पंचम भाव भी त्रिकोण होता है, यानी कि त्रिकोण का स्वामी होकर के त्रिकोण में नाइन्थ हाउस के अंदर बैठेगा, और वो भी गुरु की राशि में बैठेगा, धनु राशि में बैठेगा। तो ऐसी स्थिति में नौ नंबर की राशि में बैठ करके इसको यहां पर बल मिल जाएगा। देखिए कितना रिजल्ट में फर्क आ रहा है, लगन वही है मेष, पर सब में अलग अलग रिजल्ट हो रहा है। ऐसे यहां ये बड़ा जबरदस्त फल दे देगा आपको, इतना अच्छा फल दे देगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। आप ये कहोगे कि ग्रहों का इतना जबरदस्त प्रभाव होता है हमारे जीवन में, एक तो स्थान बहुत अच्छा है पंचम भाव, और बैठ भी नवम में गया त्रिकोण में, आपको आपके व्यवहार का कुशल बना देगा, आपको परोपकारी बना देगा, आपको धार्मिक बना देगा, आपका हेल्पफुल नेचर रहेगा, आपके अंदर सात्विक जो गुण होते हैं उनका समावेश देखने को मिलेगा, आप भगवान के प्रति भक्ति में दिखाई दोगे, आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा, पुत्र का पौत्र संतान प्राप्ति का योग बनेगा, आपको उच्च शिक्षा विशेष रूप से प्राप्त होगी, आपको विदेशों से विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा, आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी, आपके ऊपर विशेष कृपा रहेगी, क्योंकि ये त्रिकोण का मालिक होकर के नवम भाव में बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है, धनु राशि में बैठा है, आपको तमाम प्रकार के सुख देने का काम करेगा, वो सभी चीजें दे देगा जो आप चाहते हैं, जो आपके मन में है, जो आपकी इच्छाएं हैं कि ये भी चीजें मुझे प्राप्त हो जाएं। और यही अगर शनि राहु से पीड़ित हुआ, उनकी दृष्टि में हुआ, तो क्या करेगा, इस प्रकार के फल में कमी कर देगा, फिर राह को चैलेंजिंग बना देगा, राह में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको रिजल्ट मिलेंगे।